हेलो इकोनॉमिस्ट्स। तो ये हमारे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑन इकोनॉमेट्रिक थियरी का लेक्चर 1 है। इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैं पहले दे चुका हूँ, तो ये लेक्चर 1 होगा हमारे लेक्चर सीरीज का, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑन इकोनॉमेट्रिक थियरी का, जिसमें सबसे पहले हम कुछ स्टैटिकल कंसेप्ट्स रिव्यू करेंगे। और उसमें आज जो हम देखेंगे वो होगा सबस्क्रिप्ट्स एंड समिशन। अब स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट रिव्यू करने का कारण ये है क्योंकि बहुत लोग बिना स्टैटिस्टिक्स पढ़े ही इकोनोमेट्रिक्स पढ़ने लगते हैं और ये कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, आपको स्टैटिस्टिक्स एक बार रिव्यू करना जरूरी है यदि आप इकोनोमेट्रिक्स पढ़ना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं कुछ स्टैटिकल कंसेप्ट रिव्यू करूंगा। तो ये उसका पहला लेक्चर होगा, कुछ लेक्चर तक मैं यही करूंगा। बहुत सारे टॉपिक्स होंगे स्टैटिस्टिक्स के ही, और उसे ही मैं बताऊंगा ब्रीफली, जो कि इकोनोमेट्रिक्स में बार बार आएंगे। तो इसके लिए जो अभी मैं लेक्चर करूंगा, सबस्क्रिप्ट्स एंड समिशन, उसमें रेफरेंस बुक के तौर पे आपका थियरी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स बाय ए कोट सैनिस है, और इसका अपेंडिक्स 1 एलिमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स आपको देखना है और उसका सेक्शन ए देखना है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो जानना है आपको वो ये है कि हम जो इसमें सीखेंगे, हम सबस्क्रिप्ट और समेशन सीखेंगे। यानी कि आप जब इकोट्रिक्स पढ़ते हैं या फिर स्टैट पढ़ते हैं, स्टैट मीन्स स्टैटिस्टिक्स एंड इकोट्रिक्स मीन इकोनोमेट्रिक्स, तो जब आप पढ़ते हैं तो आप अक्सर ये समेशन ऑपरेटर देखते हैं बहुत बार, और कभी कभी आपको यहाँ पे आई इज इक्वल टू कुछ दिखा हुआ होगा और यहाँ पर एन लिखा होता है। और कभी कभी क्या होता है कि आप ऐसे भी देखते हैं कि डबल समेशन होता है और यहाँ पे एन लिखा हुआ हो सकता है और यहाँ पे एम लिखा हुआ हो सकता है और यहाँ जे इज इक्वल टू 1 लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? तो हम तो देखते हैं, पढ़ते हैं, बहुत बार हम रट लेते हैं, नहीं समझ में आता है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस पूरे लेक्चर में मैं आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। समेशन होपफुली आप ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि समेशन होता क्या है। तो सबसे पहले सिंपल समेशन पे चलते हैं और सिंपल समेशन को देखते हैं कि ये सिंपल समेशन क्या होता है, जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं। जैसे कि देखिए, सिंपल समेशन का मतलब क्या होता है कि आप मान लीजिए कि आपके क्लास में कुछ स्टूडेंट है, जैसे बॉयज़ हैं, बॉयज़ हो सकते हैं, और उनका कुछ नाम होगा ए बी आई जे, आई थिंक 10 हुआ, 1 2 10। अब इन्होंने कुछ मार्क्स लाए होंगे जिसे हम एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स मीन्स का मतलब होता है मार्क्स, एक्स का मतलब हुआ कि वो जो मार्क्स उन्होंने अपने एग्जाम में लाया है। अब जैसे कि इसने 80 लाया होगा, इसने 70 लाया होगा, इसने 85 लाया होगा, इसने 65 लाया होगा, किसी ने 50 50 लाया होगा, कोई फेल हो गया होगा, या बहुत सारी चीज़ें हो सकती है यहाँ पे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ने मार्क्स लाए हैं और अब इन्हें हमें ऐड करना है। तो जब हम ऐड करते हैं तो सिंपली हम इसे ऐड करेंगे और लिख लेंगे। लेकिन जब स्टैट आप पढ़ते हैं तो आप समेशन का यूज करते हैं कि आप किसी वेरिएबल को सम कैसे करेंगे। जैसे आपको ये दिखाना है कि आपने इसे ऐड किया है, तो आप इस तरह लिखेंगे समेशन एक्स, यानी कि आपने एक्स को ऐड किया है। जैसे इसको ऐड करने के बाद कुछ भी आ सकता है। तो इसे ऐड करने के बाद आई थिंक 694 आएगा। तो आप स्टैटिस्टिक्स के लैंग्वेज में आप समेशन एक्स इज इक्वल टू 694 लिख सकते हैं। लेकिन कभी कभी आप देखिएगा कि आपको इस तरह का कुछ मिलेगा, यानी कि यहाँ एक्स लिखा है और यहाँ पर आई लिखा है और यहाँ पे एन लिखा होगा और यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 लिखा होगा और यहाँ पे होगा 694। तो इसका मतलब क्या होता है? इस तरह का आप टर्म्स जनरली देखते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि जैसे कि ए ने जो मार्क्स ऑब्टेन किया उसे आप एक्स वन लिख दीजिए, इसे आप एक्स टू लिख सकते हैं, इसे आप एक्स थ्री लिख सकते हैं, एक्स फोर, इसी तरह करके आप एक्स टेन तक लिख सकते हैं, क्योंकि 10 ऑब्जर्वेशन है तो आप 10 तक लिख सकते हैं।
तब इसका मतलब क्या होता है कि आई का मतलब हुआ कि ये जो एक्स वन है वो हुआ, और यहाँ पे वन होने का मतलब ये वन से शुरू होगा क्योंकि टेन ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ एन इज इक्वल टू टेन होगा, तो यहाँ पे हमने एन लिखा है, यानी कि यहाँ पर टेन भी आप लिख सकते हैं जब आपको पता हो कि कितने ऑब्जर्वेशन है। जैसे हमें पता है यहाँ टेन ऑब्जर्वेशन है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं टेन और फिर आई इज इक्वल टू वन, क्योंकि ये वन से शुरू हो रहा है और टेन तक जा रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि ये वन से शुरू होगा और टेन तक जाएगा, और यहाँ पे एक्स आई का मतलब क्या हुआ, यही जो ये जो आई हमने लिखा है वो वन से शुरू होगा और टेन तक जाएगा। इसका मतलब समेशन एक्स आई का मतलब हुआ एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस इसी तरह करके ये एक्स टेन तक जाएगा। और इसमें क्या होगा कि जैसे आप यहाँ एन जब लिख रहे हैं तो एन लिखने का मतलब क्या हुआ, जैसे जो एक जनरलाइज्ड फॉर्म है, यहाँ पे आई इज इक्वल टू वन होता है और फिर यहाँ पे एन लिखा होता है और फिर यहाँ पे कुछ एक्स आई लिखा हुआ होता है, तो इसका मतलब हुआ कि ये वन से शुरू होगा और फिर यह वन टू थ्री फोर करते करते किसी अननोन ऑब्जर्वेशन एन तक जाएगा, यानी कि एन ऑब्जर्वेशन है पूरे डेटा में। तो इस तरह से हम समेशन से चीज़ों को बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके में या फिर बहुत ही ब्रीफली हम पूरे डेटा को लिखते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। तो ये जो समेशन ऑपरेटर आप देख रहे हैं और यहाँ पे एन देख रहे हैं, आई इक्वल टू वन देख रहे हैं, इसके कुछ रूल्स भी होते हैं, लेकिन रूल्स में बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं और बता दूँ कि आई वन से शुरू होने का मतलब ये भी हो सकता है कि कभी कभी आई माइनस से भी शुरू हो। जैसे अगर मैंने यहाँ पे आई इज इक्वल टू माइनस फाइव लिख दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया फाइव, तो इसका मतलब हुआ कि ये एक्स माइनस वन होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे यहाँ एक्स माइनस फाइव होगा, यहाँ एक्स माइनस फोर होगा, फिर यहाँ पे एक्स माइनस थ्री होगा, इस तरह करते करते एक बार एक्स माइनस जीरो आएगा और इस तरह करते करते आगे एक्स जीरो होगा और फिर इस तरह करते करते ये एक्स फाइव तक जाएगा। इसका मतलब यही हुआ। तो ऐसा भी कभी कभी आपको मिल सकता है, तो आप इसे भी ध्यान रखें। ऐसे इस पर हम अभी ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, जब ये एप्लीकेशन में आएगा तब हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल ये सिंपल समेशन हो गया जो आप ऑलरेडी जानते हैं, और हो सकता है यहाँ आई और एन के मतलब को आप नहीं जानते हो, तो मैंने आपको यहाँ बता दिया। तो इसके कुछ रूल्स भी होते हैं, तो चलिए एक एक करके हम इसके उस रूल्स को भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक सबसे पहला रूल हम देखते हैं, रूल वन आप इसे कह सकते हैं, कि जो सम होता है दो वेरिएबल का, वो दोनों वेरिएबल को सम करके जब आप उसका समेशन निकालते हैं तो वो दोनों के सेपरेट समेशन के बराबर होता है। उसे आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कोई वेरिएबल है एक्स, जैसे मार्क्स है, और कोई वेरिएबल है आप कुछ और ले सकते हैं, आप आईक्यू ले सकते हैं या फिर मार्क्स के अलावा आप एज ले सकते हैं। जैसे मैंने वाई ले लिया, वाई भी एक वेरिएबल है जो वन से शुरू होता है। अब इन दोनों वेरिएबल को आप ऐड करेंगे और उसका समेशन निकाल सकते हैं, जहां आई वन से शुरू हो रहा है और एन तक जाएगा, तो वो दोनों वेरिएबल के सेपरेट समेशन के बराबर होगा। यहां सिर्फ समेशन नहीं, यहां पे आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। और जैसे इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि आपने पहले एक्स का समेशन किया सेपरेटली एन तक, और उसके बाद आपने वाई का समेशन किया सेपरेटली एन तक, तो ये दोनों बराबर होंगे। यानी कि आप या तो पहले दोनों को सम करके फिर इसका समेशन निकालें, यानी दोनों एक्स वाई को जो भी जोड़ घटाव करना है आप वो कर लें और उसके बाद उसका सम निकालें, या फिर आप सेपरेटली दोनों का सम निकालें उसके बाद में उसमें एडिशन या समेशन कर दें, तो दोनों बराबर ही होंगे। तो ये रूल वन हुआ। अब आप इसे ट्राई करके देख लीजिएगा, जैसे कि कोई वेरिएबल एक्स लीजिए, कोई वाई लीजिए, और इसके कुछ वैल्यू लिख लीजिए और इधर भी कुछ वैल्यू लिख लीजिए, और आप क्या कीजिए, इसे सम कीजिए, फिर इसे सम कीजिए और दोनों को ऐड करके देखिए, या फिर उसके और उसके बाद दोनों को सम करके, यानी कि x प्लस वाई को यहाँ पे सम करके लिखिए और उसके बाद दोनों को ऐड करके देख लीजिए और देखिए कि बराबर होता है या नहीं। यानी कि इसका एप्लीकेशन ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ कि आप इसे कैसे टेस्ट करेंगे रूल वन को। अब इसी तरह हम आते हैं
रूल टू पर कि रूल टू में क्या होगा। एक और रूल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, रूल टू कुछ इस तरह है कि जैसे कि ये कोई वेरिएबल है एक्स और उसमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है, 6, 8, 10 बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसमें अगर आप सबको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, जैसे आपने टू से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, टू से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर आप कहिए अलजेब्रिकली कि के से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी नंबर के से मल्टीप्लाई कर दिया वेरिएबल एक्स को, तब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं के मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल एक्स आई, मतलब कि के इंटू x1 प्लस के इंटू x2, यानी कि कोई एक वेरिएबल है, सॉरी कोई एक कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे टू कांस्टेंट है और उसको आपने क्या कर दिया वेरिएबल x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप समेशन में लिखेंगे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं के एक्स आई और फिर यहाँ पे एन आई इक्वल टू 1, यानी 1 से शुरू हो रहा है और एन तक जा रहा है। और इस चीज को यानी कि आपने यहाँ क्या किया कि हर बार कांस्टेंट को वेरिएबल से के वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, फिर उसे ऐड कर दिया। और आप इसे सिंपली ऐसे कर सकते हैं कि आप पहले इसे ऐड कर लें, यानी कि ये जो पूरा वेरिएबल का वैल्यूज है इसे ऐड कर लें और उसे लास्ट में के से मल्टीप्लाई कर दें इसके समीशन को। तो यहाँ पे आप ऐसा भी करेंगे तो वो सेम ही रिजल्ट आपको आएगा, यानी कि आप पहले एडिशन कर लें उसके बाद लास्ट में के से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका वही रिजल्ट आएगा। अब ये भी मैं आप पर छोड़ देता हूँ कि एक बार आप किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके फिर समेशन करें और उसके बाद आप पहले समेशन करें फिर उसके बाद लास्ट में जिस कांस्टेंट से आपने मल्टीप्लाई किया उससे उस रिजल्ट को यानी कि जो समेशन आया उसे मल्टीप्लाई कर दें, अगर सेम वैल्यू आया तो ये रूल सही है। अब मैं रूल बता रहा हूँ तो रूल सही ही होगा। अब आते हैं तीसरे एक इम्पोर्टेंट रूल पे जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है, इसे मैं रूल 3 बोल देता हूँ। अब रूल 3 में क्या है कि अगर कोई कांस्टेंट का समेशन आ जाता है, जैसे के का समेशन हो गया आई इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आई नहीं लिखा है, कांस्टेंट जब होगा जब भी समेशन में तो यहाँ पे आई नहीं लिखा होगा, यानी कि हर वेरिएबल से में के लिए ये एक ही रहेगा, यानी कि जितने ही भी ऑब्जर्वेशन है उसके लिए एक रहेगा। जैसे कि अगर 10 स्टूडेंट है आपके, हाँ ठीक, तो सबके लिए ये एक ही रहेगा। जैसे मैंने कहा कि हर स्टूडेंट के मार्क्स को 2 दोगुना कर दो तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 तो सबके लिए सेम ही होगा। तो इस सिचुएशन में जब समेशन के लिखते हैं तो उसका मतलब होता है एन के, यानी कि जितने ऑब्जर्वेशन है उसके के से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 2 यहाँ पर कितना है, यहाँ पे 8 हो जाएगा, या आप सिंपली कहिए कि ये 2 है यानी कि के इज इक्वल टू 2 है यहाँ पर और हमने उसको सॉरी के इज इक्वल टू 2 है यहाँ पर और हमने उसको 4 4 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 4 ऑब्जर्वेशन है, यहाँ एन इज इक्वल टू 4 है। तो हमने क्या किया, एन इज इक्वल टू 4 है तो एन के लिख दिया, यानी कि 2 × 4 इज इक्वल टू 8 लिख दिया। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रूल है जो अक्सर कन्फ्यूज करता है जब हम कुछ मैनिपुलेशन करते हैं अलजेब्रिक टर्म में, जैसे अलजेब्रा में आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर वगैरह पढ़ते हैं तो इसमें भी आता है समेशन का भी, तो वहाँ पे इन सब कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको इसको ध्यान में रखना है, यानी कि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अब ये रूल आप जान गए। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो बतानी है, रूल 4 जहाँ से शुरू होगा, ये तो हमने जो देखा वो सिंपल समेशन था, एक डबल सबस्क्रिप्ट और समेशन भी होता है उसे भी हम देख लेते हैं। अब डबल सबस्क्रिप्ट और समेशन क्या होता है कि आप कभी कभी देखेंगे कि इस तरह से दिया होगा, जैसे आपके पास ऐसे दिया हो और फिर एक और समेशन ऐसे दिया हो और यहाँ पे लिखा हो एक्स आई जे और फिर यहाँ पे लिखा हो आई इज इक्वल टू 1 एन और फिर जे इज इक्वल टू 1 और फिर यहाँ पर एम, ठीक। तो इस तरह से भी हो सकता है। तो अब इसका मतलब क्या होता है इसे समझने की कोशिश हम करते हैं,
जैसे कि देखिए यहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशन आप ले लीजिए, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है, जैसे मैं बॉयज ही बोल रहा था, तो कोई ए है, बी सी डी ई एफ जी जे तक है। अब इसमें बहुत सारे वेरिएबल भी आप ले सकते हैं, जैसे कि आपने कोई वेरिएबल ले लिया एक्स, तो ये मान लीजिए कि क्लास वन का एक्स है, यानी कि मार्क्स आप दिखा रहे हैं, और ये मैंने एक्स टू लिख दिया, यानी कि ये क्लास टू का है, टू का आपका मार्क्स है, ये मान लिया कि क्लास थ्री का मार्क्स है, ये मान लिया कि क्लास फोर का मार्क्स, यानी कि स्टूडेंट एक ही है, उसके अलग अलग क्लास का मैंने मार्क्स यहाँ पर ले लिया है। अब हर क्लास में हर स्टूडेंट ने कुछ कुछ मार्क्स पाए होंगे, तो उसे जब आप अल्जेब्रिक टर्म में लिखेंगे तो वो क्या होगा, ये क्लास वन में जो स्टूडेंट ए ने मार्क्स पाया उसे हम क्या करेंगे, वन वन। उसी तरह क्लास वन में बी ने जो मार्क्स पाया उसे हम क्या लिख देंगे, वन टू। और इसी तरह क्लास वन में जो 10th स्टूडेंट है, यानी कि क्लास वन है और 10th स्टूडेंट ने क्या मार्क्स पाया उसे हम वन टेन इस तरह से लिख सकते हैं। और इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह से इसमें भी कर सकते हैं, जैसे कि इस स्टूडेंट ने क्लास फोर में क्या मार्क्स पाए, ये फोर वन हो जाएगा, तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो वन टू थ्री फोर 10 तक जाएगा और ये वन टू थ्री फोर 4 तक जाएगा, तो आप इसे कह सकते हैं कि यहाँ ये हो गया एन इज इक्वल टू 10, एन इज इक्वल टू 10, और ये जो हमने 4 लिखा यहाँ पे ये हो गया एम इज इक्वल टू 4, तो यही एन है और ये एम है, तो यहाँ आई वन मैंने लिखा है, यानी कि ये जो आई, ये जो हम इसे डिनोट करेंगे, इसे हम आई से डिनोट करेंगे कि स्टूडेंट कौन सा है और कितने क्लास में है, उसे हम किस चीज़ से डिनोट करेंगे, उसे हम जे से डिनोट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप ले लीजिए कि एक्स आई, और यहाँ पे जो आपका आई है वो हो गया आपका स्टूडेंट, और जे है वो हो गया आपका क्लास, ये कौन सा क्लास होगा, ठीक। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। सॉरी मैंने यहाँ थोड़ी गलती कर दी, यहाँ मैं इसे एम मानता हूँ, एम इज इक्वल टू 10 है और ये एन इज इक्वल टू 4 है, ताकि जब हम इसे लिखेंगे तो आई 4 तक जाएगा, यानी कि आई वन वन, फिर यहाँ पे टू थ्री फोर तक जाएगा, और फिर जे जो है वो 10 तक जाएगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि आई जे, आई का मतलब हुआ कि किस क्लास में है, जे का मतलब हुआ है कितना क्लास। अब इसे अगर हम ऐसे लिखते हैं फोर नाइन, इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्थ क्लास का जो नाइन्थ स्टूडेंट है उसका मार्क्स है, नाइन्थ स्टूडेंट मतलब आई का मार्क्स है। तो इस तरह से इसे आप डिनोट करते हैं, ये डबल समेशन को। इसमें बस यही होता है कि वेरिएबल एक ही होता है, लेकिन वो अलग अलग कंटेक्स्ट में उसे हम एनालाइज कर सकते हैं और अलग अलग ऑब्जर्वेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ अलग अलग ऑब्जर्वेशन हो सकता है, ये अलग अलग टाइम हो सकता है, ये बहुत सारी चीजें हो सकती है जहाँ एक ही वेरिएबल का दो कंटेक्स्ट हो सकता है और उन्हें उसे हमें एक साथ ऐड करना है। अब रूल फोर में क्या होगा कि यही जो समेशन का रूल है, जैसा कि यहाँ पे मैं कह रहा था, सबसे पहले मैं यहाँ पे रूल फोर लिख लेता हूँ। तो रूल फोर जो है वो डबल समेशन के रूल को बताएगा, यानी कि डबल समेशन में जैसे यहाँ पे आई इज इक्वल टू वन है, ये एन तक जाएगा, और फिर यहाँ पे जे इज इक्वल टू वन है जो कि एम तक जाएगा, और यहाँ पे एक्स में आई और जे होंगे। अब मान लीजिए कि दो वेरिएबल हैं, एक तो ये एक्स आई जे हो गया और फिर एक और हो गया एक्स वाई आई जे, दो वेरिएबल हो गए अलग अलग टाइम में, तो आप दोनों को ऐड करके फिर उसका समेशन निकाल सकते हैं, या फिर आप दोनों को सेपरेटली भी ऐड करके उसका समेशन निकालेंगे तो आपका रिजल्ट वही होगा। ये सिमिलर है जो हमने सिंपल समेशन में देखा था, कुछ अलग नहीं है ये। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। और उसके बाद एक और रूल है जो शायद आपको जानना चाहिए, जो रूल फाइव है, जिसे रूल फाइव हम कहेंगे। तो रूल फाइव में क्या है
जो ये डबल समेशन है उसके मल्टीप्लीकेशन का रूल है, यानी कि अगर जब डबल समेशन का सिचुएशन आएगा तब क्या होगा, इसे आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आपको एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है, और आपके पास क्या है, डबल समेशन है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आप एक्स के जितने ऑब्जर्वेशन है उसे वाई से मल्टीप्लाई करते जाएं और उसका समेशन निकाल लें। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इस तरह से एक्स के आई को मल्टीप्लाई करें, यानी कि आई वाला जो पोर्शन है उसे मल्टीप्लाई करें, और फिर उसके बाद इसे मल्टीप्लाई कर दे आप वाई के जो जे वाला पोर्शन है उसे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें। तो ऐसे भी अगर आप करेंगे तो आपका रिजल्ट सेम आएगा, यानी कि इसमें जो रिजल्ट आएगा वहीं इसमें आएगा। तो ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, इतना आपको कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ऐसे ऑपरेशंस अगर आपके पास आते हैं करने के लिए तो आपको उसको समझना चाहिए, ये बहुत रेयरली ही आपको मिलेगा, तो डोंट वरी अबाउट इट यदि आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं तो। लेकिन ये चूंकि टेक्स्ट बुक में है, ये जो हम पढ़ा रहे हैं उसका एक पार्ट है, तो मैंने डिस्कस कर दिया। आपको मेनली सिंपल समेशन को अच्छे से याद रखना है, और डबल समेशन को भी ये वाला आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। सिंपल समेशन पे तो बहुत ज़्यादा ऑपरेशन आपको करने होंगे, और डबल समेशन पे हो सकता है कभी कभी मिले या नहीं भी मिले। तो इस सेशन के लिए इतना ही रहने देते हैं। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक या यूट्यूब पे देख रहे हैं, टीचमिंट पे नहीं देख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप टीचमिंट क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। और जहाँ तक इस बुक की बात है, एक और सोनिस की बुक, अगर आपको ये बुक देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा अमेजन का, आप उसे देख सकते हैं। वहाँ से आपको पूरी बुक लिस्ट मिल जाएगी, और भी जो अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं उसकी भी बुक लिस्ट आपको मिल जाएगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, आप टीचमिंट क्लासरूम ज्वाइन जरूर करें, और वीडियो यूजफुल है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।